चलिए आज सबको दिखाऊंगी झींगा मछली से कटर के सब्जी कैसे बनता है। नमस्कार, मैं आप सभी का प्यारी सोनी कुमारी आज सुबह सुबह उठ गई हूँ और एक चीज़ हम सबको दिखाने वाली हूँ, वो है झींगा मछली। मम्मी ने कटर के सब्जी काट के रखी है और पापा बाजार से झींगा मछली लेके आए हैं और झींगा मछली से कटर के सब्जी बनाऊंगी मैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा झींगा मछली है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, सबको बना के खिला दूंगी। और सासू माँ आप एक बार देख लीजिए कैसे रेसिपी बनता है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। मेरा हस्बैंड को ऐसे ही सब्जी बना के खिलाइएगा। सॉरी सासू माँ, ऐसा आप सब्जी मत बनाइए, हम ही तो बना के सबको खिलाऊंगी। फिलहाल हम तो दूर हूँ, पता नहीं कभी ससुराल में जा पाऊंगी कि नहीं, तो इसलिए हम बोली सासू माँ ऐसे ही बना के सबको खिलाइएगा और मेरा हस्बैंड को तो मैं खुद ही बना के खिलाऊंगी। नसीब में होगा तो सबको खिलाऊंगी ससुराल में जाके। दे में गिर रहा है। ये देखिए झींगा मछली है, कितना बड़ा बड़ा झींगा मछली से हम कटर के सब्जी बनाऊंगी और साथ में मछली का धोबो, मछली का अंडा। ये मम्मी काट रही है, देखिए कितना सुंदर मछली है। हमको ये झींगा मछली बहुत ही अच्छा लगता है और ये तो अभी काफी छोटा ही है, बाकी इससे बड़ा बड़ा झींगा मछली मिलता है मार्केट में, उसका मलाई करी इतना टेस्टी लगता है ना मुझे, मैं बनाऊंगी उसका भी रेसिपी। सबको शेयर करूंगी। चलिए आज सबको दिखाऊंगी झींगा मछली से कटर के सब्जी कैसे बनता है। हम बंगाली हूँ भाई, हम मछली सब्जी एक साथ बना के खाती हूँ। गिर गया है, मामी गुस्सा हो रहे हैं मेरा ऊपर, बोल रहे हैं देह में गिर रहा है। आ गए खाना बनाने, चूल्ही जला दिया हूँ और कढ़ाई में तेल दे दिया और इस कढ़ाई में इसको तनी उबाल लेंगे, ठीक है। कढ़ाई जल गया है, हमारा ब्लॉग बनाते बनाते अभी इसमें तेल भी जल रहा है और इसमें ना अभी मछली दे दूंगी, मम्मी आज बहुत डांटेगी, कढ़ाई खराब हो गया है, जल गई। मछली लाल लाल हो गया तो हम उतार लिए और कढ़ाई में और भी है, उसको भी उतारना है और ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसको थोड़ा सा उबालना है, इसको एकदम गल नहीं ना जाए, ऐसा ही करके उबालना है क्योंकि इसमें एक कॉश होता है वो निकल जाएगा। भी काट लिए हो, देखिए कैसे करके काटी हो चिकन वाला, ये है क्या बोलता है इसको, फासुली। और आप लोग देख ही सकते हैं मैं कितना पसीना पसीना हो गए हो, चूल्हे पे खाना बना रही हूँ ना, इसका वजह से इतना पसीना हो रहा है मेरा। देखिए कितना सारे लकड़ी है, मोटा मोटा क्या करूँ, इतना लकड़ी जियान थोड़ा ना कर सकते हो, और गैस भराने में पैसा लगता है, जब लकड़ी है तो गैस क्यों भराओ, गैस है बाकी गैस पे क्यों बनाओ खाना, बरसात के टाइम ही खाना बनता है गैस में, बहुत ही कम बनता है मेरा घर पे गैस पे क्योंकि इतना सारा लकड़ी है, कौन जलाएगा। ठीक है, देखते रहिए मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। और मसाला भी पीसना है मुझे सिलवट पे, पिंपिल मसाला रखी हो, सूखल मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन, बस इतना ही, और जीरा इसमें ऐड कर दूंगी, इतना ही मसाला में हम खाना बनाती हूँ। देखिए अभी मसाला पीस रहे हो सिलवट पे, हम लोग गांव के लड़की औरत लोग ऐसा ही सारे काम अपने से करती हो, अपने से करने का मजा ही अलग है। मसाला पीस के जल्दी बना लूंगी खाना, सबको दिखाऊंगी रेसिपी कैसे बनता है, सब कोई खाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए अच्छे से इसको फिर तार लिए हो पानी से निकाल के तेल में, अभी फिर आलू भी भूज रही हूँ, उसका बाद मसाला भी पीस के रख दिए हो,
इधर मछली भी है। आलू को भूज उतार लेंगे अच्छे से, उसके बाद कढ़ाई में तेल देके मसाला भूज लेंगे, उसके बाद फिर एक साथ मिला के फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल के मसाला दे दियो, मसाला पक जाएगा ना, उसके बाद फिर से हम इसको मसाला में डाल दूंगे जो भूज के रख दिया उतार के। और उसके पहले मछली जो उतार के रखती हूँ मछली पहले डालूंगी मसाला में, झींगा मछली, उसके बाद सब डाल दूँगी धीरे धीरे। और वीडियो शॉर्ट में बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा होता है तो लोग नहीं देखता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लोग बोर हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में डालते हैं। तो मसाले के साथ फिर कटर के सब्जी को अच्छे से पका लिए हो, पका के फिर पानी दे दिया हो, अच्छे से मसाला और कटर के सब्जी अच्छे से उतार लिए हो एक साथ पका के, पानी दे के ढक्कन लगा दिया। अभी थोड़ा देर बाद ढक्कन उठा के देखूंगी, पानी एकदम सूख जाएगा, पूरा एकदम कलर चेंज हो जाएगा सब्जी के, तो बुझा जाएगा हो गया है, तब खाने का लायक हो जाएगा। बहुत अच्छा मौक रहा है, बन के रेडी हमारा कटोर के सब्जी, बहुत ज़्यादा है देख लीजिए। अरे बन के रेडी, हम दिखा देते हैं बैक कैमरा करके, देखिए बन के रेडी हो गया है मेरा कटर के सब्जी मछली के साथ, झींगा मछली के साथ, इतना टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है झींगा मछली के साथ कटर के सब्जी। अभी ये कैमरा पे है इसलिए कलर उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी बहुत ही सुंदर कलर हुआ है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और सूखा सूखा बनाए हो क्योंकि पानी पानी रसा रसा हर सब्जी अच्छा नहीं लगता है। तो सासू माँ बन के रेडी हो गया है कटोर के सब्जी, जल्दी आप लोग बैठ जाइए खाने में, हम देते हैं, हम काट के देते हैं कटोर के सब्जी सबको, ठीक है, साथ में भात।